बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह पर आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने वर्तमान सरकार से मांग करते हुए कहा कि बिहार विधान मंडल में बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए। इस मौके पर उन्होंने एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दलित का विकास वर्तमान समय में पूरी तरह से रुक चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूँ और एनडीए के जितने भी हमारे नेता हैं, चाहे उनके उप मुख्यमंत्री जो भी हैं, उनसे कि अगर सही माने में अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को आप मानते हैं, इनके अनुयायी को सम्मान देना चाहते हैं, इनके विचारधारा पर चलने की कसमें अगर खाते हैं, तो आप बिहार विधानसभा में आप आदमकद प्रतिमा की घोषणा आज आप कर दें कि हम बाबा साहब अम्बेडकर साहब का आदमकद प्रतिमा हम विधानसभा में लगवाने का काम करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जाप युवा परिषद द्वारा आयोजित जयंती समारोह में पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव भी शामिल हुए। इस दौरान पप्पू यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनावी राज्य में कोरोना नहीं है और बिहार में कोरोना है। उन्होंने कहा कि कोरोना के नाम पर सिर्फ डर भय का माहौल बनाया जा रहा है। इसके साथ ही पप्पू यादव ने सरकार से आग्रह भी किया कि जो प्रवासी मजदूर बाहर से घर लौट रहे हैं, उन्हें हर महीने 6,000 रुपए के साथ खाने का भी इंतजाम किया जाए और अनाज उन्हें दिया जाए। साथ ही स्कूल कोचिंग पर भी फैसला लेने की बात उन्होंने बिहार सरकार से की है। सिर्फ आम आदमी के लिए कोरोना का डर क्यों? इसमें बड़ी साजिश है, ड्रग्स माफिया इन्वॉल्व है, इसमें कई व्यवस्था इन्वॉल्व है। भय का वातावरण पैदा ना करिए। 7 बजे जो आप बंद किए हैं वो गलत है, वो सही नहीं है। स्कूल कॉलेज और कोचिंग को आपने बंद करने का जो निर्णय लिया है उसकी तरीके को चेंज कीजिए, बंद मत करिए।